तो आज मैं बताना चाहता हूं, एक स्थान है जिसका नाम है स्वर्ग। स्वर्ग वो स्थान है जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट है, लेकिन जहां पिता की प्रकट उपस्थिति है, जहां वो अपने महिमा में खड़ा है, वहां कोई अशुद्ध आत्मा टिक नहीं सकता। तो आज सवाल नहीं आपके बंधन क्या है, कर्ज का बंधन है या बीमारी का बंधन है। पिता की उपस्थिति में कुछ भी बहुत आसानी से बदल जाता है। आज प्रभु किसी को चाहते हो, तुम अपनी प्रार्थना में एक बहुत ऊंचे स्थान में आ जाओ जहां रूपांतरण हो जाता है। तो मन तो सबका करता है, प्रभु हमको भी इस्तेमाल करिए, लेकिन वो कहते हैं कि लोग बीमार लोग सड़क में लेटे थे कि पतरस की परछाई गिर जाए उस पर, किसी ने हाथ नहीं रखा, किसी ने बीमारी को जाने नहीं बोला, किसी ने दुष्ट आत्मा को जाने नहीं बोला। पतरस ने खुद नहीं बोला कि मेरी मेरे जो परछाई है उससे तुम चंगे हो जाओगे, लेकिन उनको मालूम था कि ये व्यक्ति ऐसे परमेश्वर की महिमा में चलता है कि इसकी उपस्थिति में ही काम हो जाते। मतलब एक समय है जब परमेश्वर कुछ करता, उस समय किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा एनवायरमेंट है जहां स्वर्ग पूरा खुद नीचे उठ के आ जाता है, जहां जो कठोर लोग है अचानक से नरम हो जाते, जो डिमोनिक केस बहुत समय से नहीं ठीक होते तुरंत ठीक हो जाते। आप इस कई लोगों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि आप बहुत नीचे खड़े हैं, लेकिन अगर आप प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करना सीखेंगे, प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा में चलना सीखेंगे, प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। बाइबल कहते हैं मूसा ने बोला प्रभु मुझे तेरी महिमा के दर्शन करने, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे आया लोग उसका चेहरा नहीं देख सक रहे थे, वो अपने मुंह को ढक के जा रहा था। हमें से कई लोगों ने अपना मुंह परमेश्वर से ढक लिया, लोगों को दिखा रहे। मूसा ने परमेश्वर को दिखाया, लोगों से ढक रहा था। लोग बोले तुम्हारा चेहरा हमसे देखा नहीं जा रहा, बहुत महिमा है। आज यीशु कलीसिया से कह रहे इंतजार करो, पूछिए कब तक, जब तक उसका हाथ नहीं आ जाए, कब तक, जब तक स्वर्ग पूरा आपके जीवन में खुल ना जाए। और हम इंतजार करने से डरते हैं। जब प्रभु की उपस्थिति में आप इंतजार करते हो, उसकी उपस्थिति बढ़ते थे, आपको समय का पता नहीं रहता, क्योंकि स्वर्ग में कोई समय नहीं है, सारा समय पृथ्वी पे। लेकिन यदि आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए तो आप क्या किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन को नहीं देखेंगे? तो इस पृथ्वी में यीशु से सक्सेसफुल कोई नहीं चला है। कैसा व्यक्ति जो महिमा छोड़ के आया लेकिन महिमा से दूर नहीं था। आप प्रभु बुला रहे, बोलो जाओ अपने अपने इनर रूम में, जाओ अपने प्रार्थना के कक्ष में जाओ और मेरा मुझ पर इंतजार करना सीखो, तब तुम अपने प्रॉब्लम से दबे नहीं रहोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, तुम जीवन में जय पाना सीखोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में कोई भी हार नहीं है। आपको क्या वैसे ही कलीसिया का वैसे ही मेंबर बनना है जो बस उम्र में बढ़ रहे और विश्वास में नहीं बढ़ रहे, उम्र में बढ़ रहे महिमा में नहीं बढ़ रहे, उम्र में बढ़ रहे समझदारी में नहीं बढ़ रहे, उम्र में बढ़ रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं बढ़ रहा? क्या आपको ऐसी कलीसिया चाहिए? क्या आपको चाहिए महिमा से महिमा तक आप उसमें बढ़ते रहे? इसलिए हमको पवित्र आत्मा की बात सुनना की आदत डालनी पड़ेगी, हमको उसके चरणों में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा प्रभु क्या करना चाहते। क्या प्रभु के उस प्रेजेंस के लिए रेडी है? प्रभु बोल रहे रेडी हो। प्रभु चाहते आप वो विश्वासी बनिए जब आप जहां जाए वहां प्रभु की प्रकट उपस्थिति हो। महिमा क्या है? महिमा है परमेश्वर जो है अपनी पूरी भरपूरी में, मतलब जो कुछ उसकी उपस्थिति में संभव है वो सब उसकी महिमा में संभव है। आज प्रभु चाहते हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके चलना सीखे। सोचिए यदि दिन प्रतिदिन 24 घंटा 48 घंटा परमेश्वर की महिमा में आप बैठे रहे तो क्या हम और आप उस प्रेजेंस में जाना चाहते हैं जहां प्रभु अपने पूरे भार में हमारे बीच में प्रकट हो?
वो जो है और उसकी उपस्थिति में जो कुछ भी हो सकता है, फिर सब कुछ संभव होने लग जाएगा। वचन कहता है कि जब उसकी महिमा के दर्शन करते हैं, हम भी महिमा में परिवर्तित होने लग जाते हैं, जैसे यीशु उस पहाड़ के ऊपर परिवर्तित हो गए, उनका रूपांतरण हो गया। आमीन। प्रभु इस कलीसिया का रूपांतरण करना चाहता है, वो चाहता हम और आप उसकी महिमा में चले। क्या हम चलना चाहते हैं?